हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा धमाकेदार फुल पावर नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के एक धमाकेदार यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री 11th। वाह भाई वाह, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, कई बच्चों ने पढ़ लिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा बेटा जी, आज हम वैसे पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। बेटा मोल कंसेप्ट मतलब ये वाला जो एक टॉपिक है ना, हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए, यानी कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और इसमें क्या है बेटा जी, आपने 9th में कुछ चीजें पढ़ी होंगी केमिस्ट्री के बारे में, छोटी छोटी चीजें, और कुछ आपने एक तरीके से 10th में पढ़ी होगी। तो यानी कि वैसे एक्चुअली में हमारा जो 9th का सिलेबस होता है वो रिलेट करता है प्लस 1 से, और 10th का होता है वो रिलेट करता है प्लस 2 से। ओके बेटा जी, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और मोल कंसेप्ट के ऊपर तो IIT JEE में भी और तरीके से काफी न्यूमेरिकल, और ये वाला टॉपिक है ना आपके 12th में भी यूज होगा सॉल्यूशन में। ओके बेटा जी, तो एक जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। और मतलब बेटा जी, ये जो आपको हर चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो सीरीज में मिलेंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगी। इसमें कुछ बेसिक चीजें होंगी जैसे कि मैटर क्या होता है, ये मैं 9th की वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप बेसिक समझ लेना, बाकी हम प्लस 1 की आगे से पढ़ते हैं। बता दें आज से स्टार्ट कर देना बेटा जी। वैसे ये जो है पहला चैप्टर है, वैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आता है बेटा जी, पहला चैप्टर है प्लस 1 क्लास का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही यही एडिंग डाल के आपको करना है। ठीक है बेटा जी, ये उसी में पढ़ेंगे अपन, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कई बच्चे जिनको ये भी नहीं पता मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, को टेंशन लेने बेटा जी, मैं 9th क्लास के बेसिक टर्म्स की वीडियो अपलोड करने वाला हूं और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं लेने बेटा जी। ठीक है, ओके। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है मोल कंसेप्ट, और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मोल कंसेप्ट बेटा जी, जिसको आता है वो वीडियो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो सीखना चाहता है, जिसको नहीं आता वो सीखे और मन लगा के सीखे। और वो कहते हैं मन से किया हुआ काम बहुत ही लाभकारी होता है और अच्छा होता है। ओके, मोल कंसेप्ट, ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है ना बेटा जी, मोल, मोल क्या है यही मैं आपको बताना चाहता हूं। मोल क्या, मोल का मतलब अगर आपसे कोई भी पूछे कि मोल का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि सर जी मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10^23। अरे ये मोल नहीं, अरे मजाक नहीं कर रहा, सच में ऐसा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल, तो आप क्या कहोगे सर, 6.023 इंटू 10^23, ये जो संख्या होती है ये एक मोल होता है। वाह, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस बनती हैं, लेकिन अपन सिंपल सी बात पढ़ेंगे, हमें तो समझना है, सीखना है, ठीक है ना। और अब ये क्या क्या हो सकते हैं बेटा जी, ये जो डिजिट है ये इसकी यानी कि ये जो चीज है वो एक तरीके से एटम्स भी हो सकते हैं बेटा जी, आयंस भी हो सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब किसी को ये नहीं पता एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैंने कहा ना बेसिक वाली वीडियो अपलोड करूंगा 9th क्लास वाली, मतलब उसमें सीख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, और फोड़ देंगे धमाकेदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा जी, वन मोल का मतलब क्या है, वन मोल का मतलब हम सीधी सी बात कहेंगे 6.023 into 10^23 atoms, ions और molecules, मोल हो गया। ओके बेटा, मोल इज द यूनिटलेस क्वांटिटी बेटा, मोल इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है बेटा, कोई यूनिट नहीं होती,
ओके, यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। मोल कंसेप्ट में बेसिकली हम पढ़ते हैं एक तरीके से सॉल्यूशन के बारे में, ज्यादातर हम पढ़ेंगे इसके ऊपर मेलिकल संबंधित सॉल्यूशन में क्या क्या टर्म्स होती हैं, वो सारी चीजें। तो हम अगर मैं आपको बताऊं बेटा जी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब दो चीजों का मिक्सर, दो चीजों का मिक्सर, जब दो चीजें आपस में मिक्स हो जाती है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जिसको बेसिक टर्म्स नहीं आती है ना उसमें टेंशन नहीं लेना है बेटा, जिसको आती है बेटा वो बने रहेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब दो चीज देखे सिंपल, अभी कुछ चीजें तो अभी क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो बेटा जी, मैंने क्या कहा कि मैंने मान लो शुगर लिया कितना 20 ग्राम, क्या लिया बेटा जी 20 ग्राम शुगर लिया, और ये 100 ml पानी ले लिया वाटर, ये 100 ml ले लिया बेटा जी, 100 ml ml मिलीलीटर, ठीक है। और यानी कि ऐसे समझो आप, ये हमारे पास पानी है और इसमें हम क्या डिजोल कर रहे हैं, शुगर डिजोल कर रहे हैं, और जैसे शुगर डिजोल करेंगे तो हमारे पास दो चीजों का क्या बन जाएगा, मिक्सर तैयार हो जाएगा, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी, ये जो पूरा घुलने के बाद, ये डिजोल होने के बाद जो हमारे पास एक ये जो सब्सटेंस या जो भी चीज मिलेगी उसको क्या बोल देंगे, हमारे पास क्या तैयार हो गया बेटा जी, सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। जब दो चीजों को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन कहलाएगा यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब सॉल्यूशन मतलब दो चीजें जरूरी है, एक चीज से सॉल्यूशन बनेगा नहीं। देखो बेटा, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं बेटा जी, एक तो होता हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। क्या? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास ये तो ज्यादा मात्रा के अंदर तो पानी था ना, 100 ml कुछ हमने क्या लिया था पानी H2O, और क्या लिया था 20 ग्राम क्या लिया था बेटा जी शुगर लिया था ना, तो ये तो कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट है, बोले तो लेस अमाउंट, ये किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा जी, लेस अमाउंट, और ये क्या है लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर लार्जर अमाउंट, ज्यादा मात्रा के अंदर, ये तो क्या है कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट है बेटा, हां कम मात्रा में प्रेजेंट है, और ये ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो लेसर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा, जो लेसर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा उसको क्या कह देंगे बेटा जी, सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्यूट यानी कि लेसर अमाउंट, लेसर वाला, और ये बेटा जी लार्जर, ये लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट, समझ में आया, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी आपको क्या लिखना है, मोल, आपको लिखना है मोल कंसेप्ट, और मोल, वन मोल का मतलब 6.023 × 10²³ एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स, ये लिखने के बाद हमें लिखना है आगे जो मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सर है ना बेटा, अभी ये मिक्सर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का चक्कर में बता देता हूं, ठीक है, अभी समझते हैं सारी चीजें, कोई टेंशन नहीं लेने, बट यहां तक लिखना है वीडियो को पॉज करके, मोल कंसेप्ट हेडिंग डालोगे, वन मोल का मतलब क्या होता है, वन मोल का मतलब 6.023 × 10²³ एटम साइज और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा क्या लिखना है। अभी आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाई एक तो हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सर, क्या होता है बेटा जी होमोजीनियस मिक्सर, और एक होता है बेटा जी हेटरोजीनियस मिक्सर, एक होता है हेटरोजीनियस मिक्सर, ठीक है। होमोजीनियस
एक सिंपल सी बात, सुगर, सुगर बोले तो चीनी है बेटा, ये चीनी चाइना वाली नहीं, अपने वाली चीनी, चाइना नहीं बोल रहा मैं, सुगर प्लस में वाटर है ना, सुगर प्लस में वाटर, यानी कि यहां पर क्या हमारे पास ये पानी है, ये क्या है बेटा जी H2O, और इसके अंदर डिजोल्व करेंगे क्या सुगर, तो ये एक घुलने के बाद अब इनको मिक्स कर रहे हैं अपन पानी और, उसके बाद यहां पर हम मिक्स कर रहे हैं पानी के अंदर ये H2O है बेटा जी, इसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम, स्टोन कंकर पत्थर ठीक है, या फिर अपन डाल रहे हैं कंकर डाल रहे हैं बेटा जी ठीक है, कंकर डाल रहे हैं अपन, ये ध्यान देना बेटा, कंकर बोले तो स्टोन डाल रहे हैं अपन ठीक है, स्टोन ये अपन डालेंगे, तो अब देखो दोनों को मिक्स करेंगे, इसको भी अपन ने डिजोल्व किया घोल दिया, इसको भी अपन ने डिजोल्व कर दिया घोल दिया, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है भाई, हम ये जो कंकर है ये घोलने के बाद, घोलने के बाद ये जो कंकर है ये तो हम बाहर निकाल सकते हैं ना, आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो सुगर है जो चीनी अपन ने घोल दी क्या हम निकाल सकते हैं, नहीं कतई नहीं, नहीं निकाल से निकाल सकते बेटा जी ठीक है ना, तो सुगर अब जिसमें सोल्यूट, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें, सोल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आना चाहिए, सोल्यूट जो कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होगा बेटा जी, जिसमें दो चीजों को मिक्स करने के बाद वो मिक्सर जिसको मिक्स करने के बाद अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, वो तो हो जाएगा होमोजेनियस, और जिनको घोलने के बाद सॉल्यूशन बनाने के बाद एक तरीके से अलग अलग कर सकते हैं, इसमें तो हम अलग अलग नहीं कर सकते, चीनी को अलग निकाल सकते क्या घोलने के बाद, नहीं निकाल सकते, जिसको हम घोलने के बाद अलग नहीं कर सकते, घोलने के बाद अलग नहीं कर सकते वो तो हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सर, और जिसको घोलने के बाद भी अलग कर सकते हैं वो हेटरोजेनियस मिक्सर। अरे यार सिंपल सी बात है, कंकर प्लस में पानी, कंकर प्लस में पानी और शुगर प्लस में वाटर, ये शुगर को हम चीनी को अलग से निकाल सकते हैं क्या घोलने के बाद, नहीं निकाल सकते, जिसको अलग अलग नहीं कर सकते घोलने के बाद वो हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सर, और जिसको सेपरेट कर सकते हैं वो बेटा जी क्या हो जाएगा हेटरोजेनियस मिक्सर हो जाएगा, मैं अभी ये डेफिनेशन लिखवा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ ठीक है। ये लिख लेना आप ठीक है, मैं लिखवाऊं, द मिक्सर विच कैन नॉट बी सेपरेट आफ्टर डिजोल्विंग, द मिक्सर विच कैनॉट बी सेपरेट After which cannot be separate after dissolving, बेटा स्पेलिंग का देखिए ना भाई, इट्स कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर, क्योंकि अपने को अंग्रेजी बोलना चाहिए अपने को समझना है बेटा जी, लेकिन इतने भी वो नहीं होने चाहिए ठीक है ना, होमोजेनियस मिक्सचर, इसको रफ कर देता हूं, काफी दिन हो जाते हैं बेटा जी लॉकडाउन में बैठे बैठे मिक्सचर ठीक है। एग्जांपल हम पढ़ेंगे बेटा जी, एग्जांपल अभी हमने पढ़ा, एग्जांपल क्या पढ़ा बेटा जी, शुगर प्लस में वाटर, शुगर प्लस में वाटर है ना, साल्ट प्लस में वाटर, ये क्या है तरीके से होमोजेनियस, बात करते हैं हेटरोजेनियस ठीक है, हेटरोजेनियस मिक्सर ठीक है बेटा जी, अरे समझ में आ गया होगा, जिसको हम अलग अलग
नहीं कर सकते, विच कैन नॉट, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता, किसके बाद, आफ्टर डिसॉल्विंग होने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। और विच कैन, यहाँ पे क्या है, विच कैन बी सेपरेट, तो वो क्या हो जाएगा, हेटरोजेनियस, क्या हो जाएगा बेटा जी, हेटरोजेनियस। एग्जाम्पल हम दूसरा लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेने बेटा, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। कभी ये सोचो कि सर तो बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा जी, आपके पास हथियार है, वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। Which can be separate after dissolving is called heterogeneous mixture. Is called heterogeneous mixture. Example क्या आ जाएगा बेटा जी? Stone, lesmain, water. ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा जी? Sand plus में water. ठीक है, आ जाएगा समझ में। तो अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, जल्दी से बैठा जी, इसको इसको पॉज करके आसानी से आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखो बैठा, अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजेनियस सब समझ जाओगे, होमोजेनियस मिक्सचर होगा बेटा जी, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर components is called solution. इसमें एक वर्डिंग और आएगी बेटा जी, homogeneous mixture of two or more components whose composition vary to a certain limit is called a solution. यानी कि यहां पर मैं एक और चीज लिखवा देता हूं, two or more components whose composition vary to a certain limit is called solution, ठीक है। दो लीटर पानी है तो भाई इसकी कुछ लिमिट तो होगी कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक किलो चीनी या एक किलो या आधा किलो चीनी घोल सकते हैं आसानी से, लेकिन क्या इसमें पांच किलो चीनी थोड़ी ना घोल सकते हैं, तो इसकी लिमिट है ना। तो इस लाइन का मतलब यही है, whose composition vary to a certain limit, कि भाई इसमें घोलने की भी कुछ लिमिट होती है। और सॉल्यूशन क्या होगा, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर होगा बेटा जी, और मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब which cannot be separate, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। द होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स होज कंपोजिशन वैरी टू ए सर्टेन लिमिट, ठीक है बेटा जी। मिक्सर होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, दो या दो से अधिक कंपोनेंट। जैसे कि मान लो एक अपने ले लिया शुगर, ले लिया फिर साल्ट ले लिया, और यह पानी है ना, दो या दो से अधिक हो गए ना, और इनको आपस में मिक्स करेंगे, जैसे सिकंजी बनाते हैं ना, नींबू पानी, आहा पानी तो नहीं आ गया मुंह में, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जब वीडियो लेक्चर खत्म हो तो बना के पी लेना, ठीक है बेटे।
शुगर प्लस में साल्ट प्लस में वाटर तीनों को मिक्स करेंगे क्या, घोलने के बाद तीनों को अलग अलग निकाल सकते हैं कि ये लो भाई चीनी, ये लो भी नमक अलग से निकाल, नहीं बेटा। होमोजेनियस मिक्सर होगा दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, और जिसकी एक अपनी क्या होती है लिमिट होती है अपने अंदर चीजें घुलवाने के, ना एक तरीके से, ठीक है भाई, घोलने की इनकी सबकी लिमिट होती है। तो इसका एग्जाम्पल अभी अपन ने पढ़ा था, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, शुगर प्लस में वाटर, ठीक है बेटा जी, ये हो जाएगा साल्ट प्लस में वाटर, तीनों क्या हो जाएगा, शुगर प्लस में साल्ट प्लस में वाटर, ठीक है बेटा जी, वन और मोर टू और मोर कंपोनेंट भी हो जाएंगे। तो ये हो गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो, सॉल्यूशन में कितने चीजें होती हैं, दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है बेटा जी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये बेटा आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, देखो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है क्या सॉल्यूट, सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जैसे कि अब देखो बेटा जी, हम सॉल्यूट की डेफिनेशन लिखते हैं, सॉल्यूट यानी कि वो सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होती है, दी सब्सटेंस, दी substance which is present in lesser amount into the solution, is called solute। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा, अभी समझ, अरे तुम पढ़ते रहोगे कंटिन्यूटिव बनाओ तो सही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दी सब्सटेंस ये कौन सी हो जाएगी बेटा जी, जो लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है, दी सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट इनटू द, बेटा बारीकी अगर कोई नॉइस आ रही तो उसके लिए सॉरी बेटा जी, क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ की चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बाहर की चीजें कंट्रोल नहीं कर सकता, ये स्वाभाविक सी बातें हैं, ठीक है बेटा। व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, क्या बेटा जी, ये समझ में आ रहा है। अभी एग्जांपल करते हैं, हो जाएगा, ये वीडियो को पॉज करके लिख लें, दी सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ओके बेटा, ठीक है। अभी एग्जांपल करता हूं, ये मैं आपको बताता हूं एक तरीके से, देखो अभी देखो जरा, देखो वहन 20 ग्राम, ये बेटा 20 ग्राम है, ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, then find solute and solvent and solvent, simple से बात बेटा जी, क्या आंसर आ जाएगा इसका, अरे क्या आंसर आ जाएगा, सोल्यूट क्या होगा जो कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट है ना, हमें पता लग रहा है सोल्यूट क्या है,
शुगर तो क्या हो जाएगा बेटा जी, 20 ग्राम शुगर तो क्या होगा, सोल्यूट, और सोल्यूट क्या हो जाएगा वाटर। अरे सिंपल है यार, सिंपल सिंपल, ठीक है समझ में आ गई। पानी देखो, एक टर्म आती है, देखो कुछ सॉल्यूशन की टर्म्स हम करते हैं, कुछ सॉल्यूशन की टर्म्स हम करते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीजें पढ़ने से पहले क्या आपको पता है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा जी। मैं आपको पहले डिक्लेयर कर देता हूँ एक तरीके से, ये डिक्लेयर, ये क्लियर, यही बात है, समझ जाना, क्लियर कर देता हूँ। अच्छा हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ कुछ चीजें हैं जो मैं, मतलब ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन इसका आएगा, तो ये चीजें आपको चाहिए, इसलिए मैं आपसे एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए, समस्या ना आए। आपने बेटा एसिड और बेस का नाम सुना होगा, एसिड एक होते हैं हमारे पास बेटा जी, बेस होते हैं ना एसिड, और ये भी आपने सुना होगा जो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद अगर वो एच पॉजिटिव आयन देते हैं तो वो एसिड कहलाते हैं, और जो ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं बेटा जी, वो ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HCl को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव और Cl एक्टिव देगा, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको डिसॉल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे रहा है, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो ये क्या है, एक बेस है, ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है, एसिड है। ये बात के लिए जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो बेस होते हैं। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, H2SO4 है यहाँ पर, ये बेटा जी 2H पॉजिटिव और ये सल्फेट आयन दे रहा है बेटा, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव आयन दे रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर बेटा जी एक एग्जांपल और बता देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और यहाँ पर बेटा जी 2 OH नेगेटिव, तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, OH नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस, समझ में आया, सिंपल सा फंडा है। कोई भी सब्सटेंस है बेटा, ये एक सब्सटेंस है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयन दे रही है ना, यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन देगी तो ये एसिड हो जाएगा, और कोई भी सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद OH नेगेटिव आयन दे रहा है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा जी, वो ये बात है, वो ये बात है, जरा अब एक टर्म और आ रही है इसमें जो आपको बार बार सुनने को मिलेगी, जब हम मोलरिटी मोलरिटी बढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज सुनने को मिलेगी बेटा जी, एसिडिटी क्या होती है या बेसिसिटी क्या होती है, बस एक नाम आपको पता है एसिड है तो बेटा जी जस्ट इसका अपोजिट करना है आपको। अब हमें एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करना, मैं क्या कह रहा हूं, एसिड है तो उसकी बेसिसिटी होगी क्या होगी, अगर एसिड है और अगर बेस है तो उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा जी, एसिडिटी। अरे यार देखो सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएगा, सबसे पहले तो मैं ये डेफिनेशन लिखवा देता हूँ क्या होते हैं एसिड और बेस, एक बार लिखो आप एसिड और बेस, फिर एसिडिटी और बेसिसिटी भी लिखवा देंगे आपको, तभी जाके क्लियर हो पाएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो बिल्कुल, हो सकते कुछ परिस्थितियां हो जाती है जो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, मान लो क्लास मिस हो गई हो, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। एसिड बेटा जी, एसिड क्या होगी, दी सब्सटेंस विच गिव्स एच पॉजिटिव आयन
into the solution are called acid. ठीक है बेटा जी, जो सॉल्यूशन के अंदर क्या देते हैं H पॉजिटिव आयन। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl है, HCl ये बेटा जी, फॉर एग्जांपल HCl H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, दूसरा H2SO4 है तो ये 2H पॉजिटिव दे देगा और ये सल्फेट आयंस दे देंगे। उसी तरीके से ये एग्जांपल बेटा, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, बेटा जी समझ में आना चाहिए कि सब्सटेंस व्हिच गिव्स एच पॉजिटिव आयन इनटू द सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, एग्जांपल हमें पता लग गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कौन सा एसिड है बेटा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा जी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बेस क्या होते हैं, ये वीडियो को पॉज करके आप लिख लो बेटे, वीडियो को पॉज करके आप लिखो ये। ठीक है, अभी देखो बेस क्या होते हैं, बेस द सब्सटेंस व्हिच gives OH negative ion into the solution are called base। समझ में आया सिंपल है बेटे। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल बोलो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेटा नाम याद होना चाहिए, किसी को पता नहीं हो तो ये नाम याद कर लेना बेटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोल्व करेंगे Na पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। यहां पर दूसरा एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये Ca है कैल्शियम और बेटा ये ब्रैकेट के अंदर और ये बाहर दो से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो ये डिसोल्व करेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और ये बेटा जी 2OH नेगेटिव, कितना 2OH नेगेटिव। अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, एसिड समझ में आया, एसिड जो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड और जो सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन देते हैं बेटा जी वो बेस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, अब वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को पॉज करके लिख लेना भाई, ये वीडियो को पॉज करके आपको लिख लेना, बार बार नहीं कहना पड़े, समझ में आया कि नहीं आया होगा बेटा जी, अगर मन लगा के पढ़ रहे हो जरूर आएगा समझ में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बेटा जी एसिडिटी या फिर मैं कहूं बेसिसिटी। क्या बेटा जी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होगी, देखो हमारे पास मान लो ये एक समझो बेटा जी, यहां पर HCl लिया और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, सॉरी ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दे रहा है ना, अच्छा सही बात है, यहां पर कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है बेटे 1। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड का, ये 2H पॉजिटिव और ये बेटा जी प्लस में सल्फेट आयंस, ये कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है 2। तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल है ना, जो डिस्प्लेस हो सकते हैं, डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन और ये किसके द्वारा दिए गए हैं, गिवन बाय एन एसिड इज कॉल्ड इट्स
बेसिसिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, इट्स कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। समझ में आई? अरे समझ में आई रे बेसिसिटी। अगर एसिड है, अगर एसिड है, अगर एसिड है तो उसकी क्या हो जाएगी बेटा, बेसिसिटी। और अगर बेस है तो उसकी क्या हो जाएगी, एसिड। यानी कि हमें बेसिसिटी को डिफाइन करना है। बेसिसिटी, बेस नहीं कह रहा मैं, ध्यान रखना। बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन गिवन बाय एन एसिड। कोई एसिड है ना, वो कितने एच पॉजिटिव आयन दे रहा है, कितने नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन दे रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। अरे सिंपल है यार। तो बेसिसिटी के डेफिनेशन आप लिख सकते हो बेटा जी, यहां पर हम लिखेंगे बेसिसिटी की डेफिनेशन। बेसिसिटी, तो बेसिसिटी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन गिवन बाय एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी, कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, अब एसिडिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एसिडिटी। ठीक है, अब मान लो हमारे पास, अब हमारे पास क्या है बेटा, ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, कितने OH नेगेटिव आयन दिया है ना, वन। और मान लो ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH की ट्वाइस, और ये बेटा जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये 2OH नेगेटिव आयन देगा नहीं। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, एसिडिटी। एसिडिटी कैसे लिखूंगा बेटा जी, क्या लिखूंगा, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल, डिस्प्लेसेबल क्या, इसमें क्या जाएगा, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, और किसके द्वारा दिए जाएंगे, गिवन बाय एन, गिवन बोलो, गिवन बाय एन बेस इज कॉल्ड एसिडिटी, इज कॉल्ड एसिडिटी। समझ में आए? बेसिसिटी का एग्जांपल ये हो जाएगा, एसिडिटी का एग्जांपल ये होगा बेटा जी। ठीक है, एग्जांपल ये हो जाएगा इसका। मैंने समझाने के लिए आपको पहले लिख दिया था ये, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हमने मोल के बारे में पढ़ा। अगर आपसे कोई पूछे मोल क्या होता है, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.023 × 10⁻²³ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा होमोजेनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस मिक्सर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सर, अगर हमने शुगर को डिजोल्व कर दिया पानी के अंदर, घोलने के बाद हम शुगर को अलग नहीं कर सकते, तो यानी कि द मिक्सर विच कैनॉट बी सेपरेटेबल है ना, विच कैनॉट बी सेपरेट, जिसको अलग नहीं किया जा सकता डिजोल्व करने के बाद, वो मिक्सर जिसको डिजोल्व, यानी कि जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता बेटा जी, घोलने के बाद जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वो तो होमोजेनियस, और जिसको अलग किया जा सकता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सर आ जाएगा। और सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सर होता है, जिसकी एक अपनी लिमिट होती है क्या, किसी चीज को घोलने की। ठीक है बेटा जी, तो सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स हुज कंपोजिशन वेरी टू ए सर्टेन लिमिट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब हमें ये पता है बेटा जी, सॉल्यूट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो क्या होगा, जो कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट, अरे एक सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन मैंने बताया था, जब हमने मान लो 100 ml पानी के अंदर हमने डिजोल्व कर दी, 20 ग्राम चीनी को डिजोल्व कर दिया, सॉल्यूशन है हमारे पास, तो उसमें जो कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। उसके बाद हमने एक कुछ बेसिक टर्म्स, एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन दे वो एसिड, और वो सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, एसिडिटी और बेसिसिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी हो जाएगी। डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, कई बार हमसे पूछ भी लेते हैं, कोई बात नहीं। हम बेटा जी कल
आगे और अच्छे तरीके से डिस्कस कर देने की कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है। अगर आपको सीखना है कुछ, अगर केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है कोई भी, तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो मतलब केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मेन चीज यही कहूंगा, ठीक है? बाकी पढ़ दे, मेहनत जरूर करने बेटा, टाइम पास नहीं करना। आज जो वीडियो आपने देखी है प्रॉपर में मैं नोट्स बनाए होंगे, आपने नहीं बनाए हैं तो फिर से देखो वीडियो, फिर से नोट्स बनाओ और फिर से पढ़ के आना। अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है। और अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ, ठीक है? हम करेंगे बेटा, पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि IIT JEE के भी क्वेश्चन करेंगे अगर आपका, नहीं तो फिर टॉपिक है आपको CBSE से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा बोर्ड से तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, लेकिन पढ़ना है हम अच्छे बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 2 साल कंटिन्यूटी आपने इस चैनल पर दे दी प्लस वन और प्लस टू, और देखो दोनों चीजें के फायदे हैं। 2 साल आपने, आप तो प्लस वन मिस ही कह रहा हूं ना, 2 साल आपने इस चैनल पर दे देना आपको, तो मैं ये कहता हूं आपको कि केमिस्ट्री के अंदर JEE में आपका मतलब एक केमिस्ट्री से भी आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो गारंटी के साथ, अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है? नहीं पढ़ोगे तो फिर उसके लिए फिर हमारे लिए कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना? मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको पूरा कंटेंट मिलेगा अच्छे तरीके से। और आप लेकिन एक अच्छा नजरिया होना चाहिए, लोग कुछ भी कहें, वो कहते हैं ना कि दो, अभी तो आपको मतलब वो कहते हैं ना कि एक चीज पे टिकना पड़ेगा, फोकस क्लियर होना पड़ेगा। हाँ भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेली मतलब आप जुड़े रहो हमसे, और हम डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, उम्मीद या भरोसा आपको बनाना पड़ेगा, विश्वास होना चाहिए, ठीक है बेटा जी? ओके, तो कल हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक तरीके से, ठीक है बेटा? ओके।